वार्ड 68 में आम आदमी पार्टी की हुई मीटिंग, वार्ड की कमान राहुल कुमार को सौंपी। वार्ड नंबर 68 में आज आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग करवाई गई, जिसमें युवा विंग की ओर से राहुल को इस वार्ड का प्रभारी नियुक्त किया गया। प्रोफेसर H.S. वालिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के वोट बनाने का काम कर रहे हैं और इसी के साथ आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुँचाया जा रहा है। दीक्षित धवन ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद आपकी सरकार बनना तय है। इस मौके पर सतपाल सोखी, दीक्षित धवन, कुश बुट्टर, रविंदर सिंह डावर, राजू भाटिया, राहुल कुमार इत्यादि मौजूद थे। मैं जिला जनरल सकत्र यूथ विंग आम आदमी पार्टी अमृतसर हूँ। जी अज की मीटिंग से वार्ड नंबर 68 के जैसा तुम दस्या प्रोफेसर साहब ने कि राहुल एक यूथ विंग के आप जॉइन कराया वै तो राहुल एक इस वार्ड की जिम्मेवारी दी गई है फॉर्मली तौर पर कि सारी वार्ड के दायित्व रहेगा कि लोगों तक घर घर पहुँचा आम आदमी पार्टी नीतियाँ रही जिन्हें कि लोग जागरूक हो सकन कि जिस ही आने वाली 2022 के आम आदमी पार्टी सरकार बनाइए तो लोगों तक सहूलत पहुँचाइए। हर एक घर जाना और एक वक्रा फार्म मैंबरशिप का वो हर घर जाके भरवाना जी वोट नहीं बनी वो वोट बनवानी है जिसे कोई तरमीम की लड़ है कोई चेंज करने की लड़ है वो चेंज करना ना है कोई गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है या कुछ भी है वो सारा साडा जिहड़ा प्रोग्राम है पिछले हफ्ते सारे वॉलंटियर्स नूं दस्सता गया। मैनू अज जो पार्टी ने मान बख्शा है और सदके मैं वार्ड के सेवा करांगा जिन्ना हो सकया महल्लेवा इलाकेदारा दी मैं दुख तकलीफां नूं दूर करांगा।